हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फास्ट के लिए आलू की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बिल्कुल बिना प्याज और बिना लहसुन के आलू प्याज की सब्जी बनाकर दिखाएंगे। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से ही मैं आज आपको आलू की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल भंडारे जैसी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आलू की सब्जी शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पिसे हुए बारीक टमाटर, जो कि मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने आलूओं को हाथों से क्रश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक खाली कढ़ाई लूँगी। तो देखिए, ये मैंने खाली कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे घी। अगर हम इस सब्जी को फास्ट के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें घी का यूज़ कीजिएगा। वैसे तो आप इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घी का करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 स्पून इसमें घी डाल दूँगी। मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मेल्ट होने दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। इसी में धीरे धीरे इसी तरह मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ और अपनी गैस को तेज हाई फ्लेम पर चला देती हूँ। तब तक मैं इसमें सेंधा नमक और जीरा डालने की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने 1 स्पून जीरा लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का ही उपयोग कीजिएगा, क्योंकि फास्ट में या तो आप हरी मिर्च का यूज़ कीजिएगा या फिर आपको काली मिर्च का यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलूँगी कि आप इसमें हरी मिर्च का ही यूज़ कीजिएगा। मैंने हरी मिर्च अपने टमाटरों के अंदर ग्राइंड कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून जीरा। तो देखिए, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। इस आलू की सब्जी को आप एक बार बनाकर खा लोगे तो फ्रेंड्स, आपको अब बार बार मन करेगा इसे खाने को, क्योंकि यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। और कमाल की बात तो यह है कि मैं इसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। बिना लहसुन प्याज के भी हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जीरा हमारा हल्का हल्का ब्राउन कलर का हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जीरा हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है। आपको अपने जीरे को इतना ही पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक इसे नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जीरा पक चुका है। अब मैं अपने जो कि मैंने टमाटर को ग्राइंड कर रखा है वो इसमें डाल दूंगी। अब मैंने इसके अंदर अपनी टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे इसे पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, यह सब्जी मैं फास्ट के लिए बना रही हूँ, तो इसमें हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं करेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। सिर्फ मैं इसमें हल्दी पाउडर और सेंधा नमक ही यूज़ करूँगी। और इसे तीखा बनाने के लिए मैंने इसमें ग्रीन मिर्च का उपयोग कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने इसमें सेंधा नमक यूज़ किया हुआ है। तो देखिए, मैंने इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल लिया है। और अब हम अपने टमाटर की प्यूरी को अच्छे से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी टमाटर की प्यूरी कितनी अच्छी बनी हुई है। यह जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है, उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपने आलू डाल दूँगी, जो कि मैंने हाथों से क्रश कर लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आलू डाल लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसे रसीला बनाने के लिए 1/2 ग्लास पानी। मैं ज़्यादा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल रसीला और बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट देने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी बना लिया है। हम इसे थोड़ा सा रसीला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे बॉईल होने के लिए इसी तरह छोड़ दूँगी, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा उबाल आ चुका है। अब मैं इसी तरह इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो जाए। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा अपना बारीक कटा हुआ धनिया, जो कि मैंने पहले ही काट के रख लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसका थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून घी, इससे हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और फ्रेंड्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसे डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके कलर में कितनी चेंजिंग आई हुई है, और इसमें
जब देसी घी हम अपने आलू की सब्जी में डालकर खाते हैं तो उसमें खुशबू ही अलग हो जाती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो रही है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह बॉईल होने दूंगी। तो देखिए, इसे 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसे अपने गैस से उतार दूंगी और इसे अपने किसी भी बाउल में सर्व करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमें स्पेशल फास्ट में खाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।